देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई के कांदिवलीपुर पोईसर इलाके में भाजपा के महाराष्ट्र सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों की सुध लेकर मोदी राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर एडवोकेट अखिलेश चौबे ने पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की बातों को दोहराते हुए कहा कि देश के सबसे निचले स्तर तक यानी आखिरी पायदान वाले व्यक्ति हमें अपनी पहुंच रखनी है, जो हम करते रहेंगे। वहीं कृपा शंकर सिंह ने अपने जाने माने अंदाज में समाज को आगे ले जाने के लिए जो भी कोशिश होगी सरकार के माध्यम से पोईसर के विकास में वो करते रहेंगे। वहीं उन्होंने पोईसर के उत्तर भारतीय क्षेत्र के पिछड़े होने का अफसोस भी जाहिर किया और वहां के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और काम न करने पर अपना विरोध भी दर्ज किया। आखिर अभी तक पोईसर का विकास क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न बीजेपी के नेताओं के होते हुए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय त्रिपाठी और जानी मानी एडवोकेट वेदिका चौबे और पत्रकार आनंद मिश्रा ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। तो मुझे लगता है कि इस बीच में एडवोकेट अखिलेश चौबे जो कटिबद्ध हैं इस इलाके में पोईसर का विकास नहीं हो रहा है और पोईसर को लेकर के उन्होंने उप मुख्यमंत्री और आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस जिस बात की मैं उपस्थित था, तो एक आदमी की जो पीड़ा होती है, एक आदमी को दर्द जो होता है काम करने का, वो अखिलेश चौबे में है। देखिए आज हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव है और मुझे ऐसा लगता है कि जन्मोत्सव जो आखिरी तबका जिस जन्मोत्सव को मनाना चाहता है वो उत्सव होता है जिसमें उसकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। तो हमने एक ऐसा मोदी किट तैयार किया है जिससे उनके बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें उसमें भर के हम उनको महीने भर के लिए दे सकें। और मेरा प्रयास ये है कि जो मोदी जी का कहना है कि आखिरी पायदान पे स्थित आदमी को सरकार का फ़ायदा होना चाहिए, तो सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाई जाएं और योजनाओं के अलावा हम अपने पर्सनल लेवल पे जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश हमने की है। सुविधाओं की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं पोईसर में, देखिए हमारे डिप्टी CM इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध हैं, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कटिबद्ध हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो पोईसर के विकास में भी शामिल होगा, क्योंकि पोईसर से जब तक रोड नहीं निकलेगा, जब तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक पोईसर का विकास नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्य किया जाए और इसके DP रोड्स और बाकी खेल के मैदान और अच्छे जो है ओपन किया जाए ताकि इसका विकास हो सके। धन्यवाद।